अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्नात को जलाने के लिए, भगाने के लिए एक बेहतरीन, बहुत ही आसान, सिंपल, नंबर वन गारंटी का फतीला। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है। आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को दिल से लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग ऐसी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल बहुत सारे इंसान, मर्द औरतों को जो है जिन्नात बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, घर का घर बर्बाद कर देते हैं, तमाम कारोबार हर चीज़ पर बंदिश डाल देते हैं। अगर जवान लड़कियों पर अगर जिन्नात का असर हो जाए तो उनके रिश्तों की बंदिशें हो जाती हैं, उनके निकाह के पैगाम जल्दी नहीं आ पाते हैं, बड़ी बामुश्किल उनके जो है रिश्ता हो पाते हैं। अगर किसी वजह से अगर शादी अगर हो जाती है तो ऐसी औरतों की शादियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं, जिसकी वजह सिर्फ जिन्नात ही हुआते हैं। या अगर किसी मर्द पर अगर जिन्नात का अगर असर हो जाए तो उसकी जो है कारोबार पर बंदिश हो जाती है, उसको जो है जिन्नात इतना परेशान करते हैं कि हर तरफ से जो है उसकी आमद का रास्ता बंद कर दिया जाता है, हर इंसान उससे नफरत करने लगता है। बहरहाल अगर कोई शख्स जो है जिन्नात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, तो ये फतीला बहुत ही कारामद मुजर्रब है जिन्नात को जलाने और भगाने के लिए। चलिए बहरहाल सबसे पहले मैं आपको लिखने का पूरा तरीका समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसका इस्तेमाल का तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से ये मीम बनाते हुए यहाँ पर आपको खींच देना है, फिर यहाँ पर आपको जो है 7 मरतबा जा आपको लिख देना है, ठीक है। जा 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 जा, जितनी टाइम आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है इतने टाइम आप उसको जा लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको आयन, फिर डबल वन, फिर ये 7, फिर ये आपको डबल वन, फिर 9, 8, फिर उसके बाद में जा, फिर यहाँ पर आपको नुक्ता लगा देने का है। लगाने के बाद में जो है याद रहे कि आपको ये नीले कलर के कपड़े पर आपको लिखना है, और वो कपड़ा भी मरीज का ही पहना हुआ होना चाहिए। उस पर लिखने के बाद आपको कम से कम 11 या 21 फतीले जो है आपको लिखना है। जब लिख लें तो हर रोज़ आपको जो है उस फतीले का जो है चिराग की एक बत्ती बनानी है, उसके ऊपर से आपको कपास रोअर वगैरह आपको लपेट देना है, जिसको कॉटन कहते हैं। वो लपेटने के बाद जो है मिट्टी के जो है चराग के अंदर आपको कड़वा तेल डाल करके जो है जलाना है। कम से कम जो है 15 मिनट तक जो है जलते रहना चाहिए। मरीज़ उसके सामने बैठ करके जो है उसको अपनी आंखों से देखता रहे जो उसमें आग है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ या तो जन्नत हाजिर होगा, हाजिर होकर के जल जाएगा, या फिर करीब ही नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए जो है भाग जाएगा। बेहतरीन पावरफुल मुजर्रब फतीला है, जन्नत को जलाने और भगाने के लिए ज़रूर आजमाएँ, फ़ायदा उठाएँ। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुंचाना, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।